हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लर्न विद ज्योति। आज हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों, क्लास सेवन्थ की इंग्लिश से, इंग्लिश रीडर बुक से। लेसन नंबर 9 है, लेसन का नाम है द वाइट विजिटर। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियोज़ देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, रीड एंड लर्न में यहाँ पे जो इंग्लिश वर्ड है उसकी हिंदी मीनिंग देखेंगे। फर्स्ट देखिए, सेवरल, सेवरल मीन्स कई, बाय द लाइट प्रकाश के द्वारा, एट द एंड अंतिम में, इन अ बैड स्टेट बुरी परिस्थिति में, सोल्जर सैनिक, प्राइस यानी कीमत, अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है का डर, ठीक है, वॉर्न यानी चेतावनी सचेत करना, इंसिडेंट यानी घटना, लॉन्ग पॉज यानी लंबी चुप्पी लंबी शांति, टू मच यानी बहुत ज़्यादा, इन द मिडल ऑफ बीच में, प्राइजेज आर गोइंग अप यानी कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इन गुड ऑर्डर एक अच्छे क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाई डिड डॉक्टर दास नीड टू बाय अ हाउस। डॉक्टर दास को एक मकान खरीदने की क्यों ज़रूरत थी? इसका आंसर आप लिखेंगे, डॉक्टर दास नीडेड टू बाय अ हाउस बिकॉज He had to live and work in कालीघाट, ठीक है, कालीघाट यानी कोलकाता। तो डॉक्टर दास को एक घर खरीदने की ज़रूरत थी क्योंकि वह कोलकाता के कालीघाट में रहने और काम करने के लिए आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में, वाई डिड ही वॉन्ट टू बाय शांति भवन। तो वह शांति भवन को क्यों खरीदना चाहते थे? आप आंसर लिखेंगे, He wanted to buy शांति भवन because it did not cost much। तो वो शांति भवन इसलिए खरीदना चाहते थे क्योंकि इसकी कीमत अधिक नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, What reason did Mr. चौधरी give Dr. Das so that he would not, wouldn't होगा, ठीक है, buy शांति भवन। यहाँ पे wouldn't का फुल फॉर्म होगा would not। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि जो चौधरी जी हैं, डॉक्टर दास को कौन सा तर्क दिया जिससे वह शांति भवन को न खरीदें? तो आप आंसर लिखेंगे, मिस्टर चौधरी गेव डॉक्टर दास अ रीज़न दैट द ओनर ऑफ द हाउस वॉज मिसिस घोष हु डाइड 2 ईयर बैक। ही टोल्ड दैट द पीपल से दैट सी विजिट हर ओल्ड हाउस इन द नाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वाई डिड डॉक्टर दास वॉन्ट टू स्पेंड अ नाइट इन द हाउस बिफोर बाइंग इट। तो डॉक्टर दास मकान को खरीदने से पहले उसमें एक रात क्यों गुजारना चाहते थे? आप आंसर लिखेंगे, डॉक्टर दास वांटेड टू स्पेंड अ नाइट इन द हाउस बिफोर बाइंग इट सो दैट ही माइट नो द रियल थिंग। तो डॉक्टर दास मकान को खरीदने से पहले उसमें एक रात गुजारना चाहते थे जिससे वे वास्तविक चीज़ को जान सकें, यानी रियलिटी क्या है, उस मकान के पीछे क्या रहस्य है उसके बारे में जानना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, हु वॉज द वाइट विजिटर। डू यू थिंक डॉक्टर दास सस्पेक्टेड एनी वन एल्स बिफोर ही कॉट द घोस्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूत को पकड़ने से पहले डॉक्टर दास ने किसी अन्य या किसी दूसरे के ऊपर शक किया, संदेह किया था, क्या तुम ऐसा सोचते हो? तो यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे, द वाइट विजिटर वॉज मिस्टर चौधरी। वी थिंक डॉक्टर दास डिड नॉट सस्पेक्ट एनी वन एल्स बिफोर ही कॉट द घोस्ट। तो हम विचार करते हैं, यानी हमारा ये सोच है कि डॉक्टर दास ने भूत को पकड़ने से पहले किसी अन्य का संदेह नहीं किया था, उनको किसी और के ऊपर शक नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वॉट क्वालिटीज ऑफ डॉक्टर दास हेल्प्ड हिम इन बाइंग द हाउस। तो डॉक्टर दास के कौन से गुणों ने उन्हें घर खरीदने में सहायता की? आप आंसर लिखेंगे, डॉक्टर दास वॉज इंटेलिजेंट डिटरमाइंड एंड ब्रेव सो दीज क्वालिटीज हेल्प हिम इन बाइंग द हाउस। डॉक्टर दास बुद्धिमान निश्चयपूर्ण तथा बहादुर थे, इसलिए इन गुणों ने घर खरीदने में उनकी सहायता की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, व्हाई डिड मिस्टर चौधरी आस्क डॉक्टर दास नॉट टू टॉक अबाउट दिस इंसिडेंट। तो मिस्टर चौधरी ने डॉक्टर दास को इस घटना के बारे में किसी से बात न करने के लिए क्यों कहा? आप आंसर लिखेंगे बच्चों, मिस्टर चौधरी आस्क डॉक्टर दास नॉट टू टॉक अबाउट दिस इंसिडेंट अदरवाइज ही वुड लॉस हिज बिजनेस। ओके,
तो यहाँ पे चौधरी जो मिस्टर चौधरी थे उन्होंने डॉक्टर दास से इसके बारे में किसी से कहने के लिए नहीं कहा, क्योंकि अगर वो किसी को इस बारे में कह देंगे तो उनका जो व्यापार में घाटा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, वर्ड पावर में राइट द क्वालिटीज ऑफ डॉक्टर दास एंड मिस्टर चौधरी इन करेक्ट कॉलम। तो यहाँ पे मिस्टर दास और मिस्टर चौधरी के बारे में जो क्वालिटीज़ है उसको आपको सही कॉलम में लिखना है। पहला आप आंसर देखिए डॉक्टर दास के बारे में। डॉक्टर दास जो थे स्मार्ट थे, इंटेलिजेंट और डिटरमाइंड और बहादुर थे, ठीक है, ब्रेव। और जो मिस्टर चौधरी थे वो नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, लैक कॉन्फिडेंस एंड क्लेवर एंड ग्रीडी, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, मिस्टर दास और मिस्टर चौधरी की क्वालिटीज़ आप लिख लेंगे। नेक्स्ट भी देखिए बच्चों मैचअप है। फर्स्ट यहाँ पे देखिए वन हु लेंड्स मनी, जो पैसे उधार लेता है उसे क्या कहते हैं, मनी लेंडर, ठीक है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड है वन हु रेंट आउट हाउस, तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड हो जाएगा सेकेंड। थर्ड देखिए वन हु अरेस्ट थीव्स, जो चोरों को पकड़ता है वो कौन है, पुलिसमैन, थर्ड हो जाएगा। फोर्थ है वन हु सिंग, जो गाना गाता है उसे क्या कहते हैं, सिंगर, फोर्थ। और फिफ्थ है वन हु बिल्ड्स हाउस, तो बिल्डर हो जाएगा फिफ्थ। और सिक्स्थ है वन हु वर्क विथ एंड राइड्स एंड एलिफेंट, जो हाथी के साथ काम करता है उसकी सवारी करता है उसे क्या कहते हैं, महावत, तो ये आपका डी हो जाएगा सिक्स। सेवन देखिए द स्पिरिट ऑफ अ डेड पर्सन, मरे हुए व्यक्ति की आत्मा, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, भूत, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सेवन्थ ए। तो इस तरीके से हम मैचअप कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बच्चों ग्रामर इन यूज़, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया, लर्न दिस फ्रेजेस विद देयर मीनिंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स स्पेसेस इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग द सुटेबल फ्रेजेस इन इट्स करेक्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आपको नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं रिक्त स्थान में आपको भरने हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए फिलअप है, ऑल माई रिकॉर्ड्स आर इन गुड ऑर्डर, फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड है हिज ग्रैंड मदर इज़ वेरी ओल्ड, सी इज़ डैश ऑफ हेल्थ, तो इन अ बैड स्टेट, सेकेंड हो जाएगा। थर्ड देखिए सोहन वैन टू विजिट, ये थर्ड हो जाएगा। हिज सिस्टर लास्ट मंथ एंड फोर्थ ही इज़ वर्किंग बाय द लाइट, ये फोर्थ हो जाएगा द मून। एंड फिफ्थ है सुमन वॉज डैश अ खादी साड़ी टू एक्ट एज ए लीडर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ड्रेस्ड इन, तो ये फिफ्थ हो जाएगा। सिक्स है द सिक चाइल्ड गेट्स क्योर्ड एट द एंड, ये सिक्स हो जाएगा। और सेवन्थ है द सी वॉज वियरिंग ब्लैक क्लॉथ फ्रॉम हेड टू फुट, ठीक है, तो ये सेवन्थ हो जाएगा। और लास्ट है एट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट, ओके, ये एट हो जाएगा। नेक्स्ट भी देखिए बच्चों, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन एज इट इज़ गिवन इन द एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपको जो सेंटेंस दिया गया है उसे इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, फर्स्ट आपको देखिए सेंटेंस क्या है, सीमा आस्क गीता व्हाट आर यू डूइंग टुडे, ओके, इस तरीके से सेंटेंस है, आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना है। सीमा आस्क गीता व्हाट शी वॉज डूइंग दैट डे, तो इसी तरीके से आप चारों सेंटेंस को इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट का आंसर देखिए, गीता सैड दैट शी वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स प्लेस, ओके। सेकेंड देखिए, सीमा आस्क्ड हर हाउ फॉर हर ग्रैंड मदर्स हाउस वॉज। थर्ड देखिए, गीता टोल्ड दैट इट वॉज नॉट वेरी फॉर सी वुड हैव टू टेक अ बस टू सोनपुर विलेज। एंड फोर्थ, सीमा सैड दैट सोनपुर वॉज अ नाइस विलेज सी हैड सीन इट, ओके। इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, इनडायरेक्ट फॉर्म में सारे सेंटेंसेस को लिख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट देम इन द राइट कॉलम। आपको यहाँ पे चार कॉलम दिए गए हैं बच्चों, ही बॉयज़ के लिए, शी गर्ल्स के लिए, और थर्ड कॉलम में ही और शी यानी दोनों बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है। लास्ट कॉलम में इट, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड्स को ध्यान से देख करके उसे कॉलम में हम फिल कर लेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए, आपको बॉयज़ के कॉलम में किंग, फादर, अंकल, बॉय, इस तरीके से फिल कर लेंगे। गर्ल्स के कॉलम में क्वीन, आंट, लॉयनस, गर्ल एंड मदर, ओके। बॉय और गर्ल दोनों में बेबी, पेरेंट्स, टीचर, कज़न। देखिए, बेबी जो होगा वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है। पेरेंट्स में भी मम्मी या पापा दोनों हो सकते हैं। टीचर में मेल या फीमेल टीचर दोनों हो सकती है, उसी तरीके से कज़न भी। और लास्ट कॉलम में इट है,
तो यहाँ पे पेंसिल कप ट्री गोज बॉक्स इस तरीके से वर्ड्स को फिल कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब अगले वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, टिल देन बाय बाय।